रमेश जी, नारायण जी और बाहर से पधारे हुए सभ्य सदस्य। आज का उल्लासों पर हमारे विशेष है। विशेष इसलिए है कि ऐसा मेरा मानना है कि आज का जो तो अपना मिलना है ये पूरे राजस्थान में 14 मेला के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने इसमें आप में पढ़ रहे हैं शिक्षा संविधान और उद्यम। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि समाज में इन सभी आयामों में बहुत अच्छा काम किया है। शाम को जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिक्षा में लोग कहाँ कहाँ बहुत है। संगठन में सबसे बड़ी खबर जो शायद रामेश्वर जी भूल गए हैं, हमें सरकार से 2500 स्क्वायर फीट जगह मिली है। संगठन का एक दूसरे काम बहुत बड़ा हो गया, दूसरा काम महिला मंडल का हो गया, तीसरा काम यूथ विंग का हो गया। ये सब पहली बार हुए हैं। रामेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई। व्यक्तित्व विकास में हमने स्मार्ट धर्म का काम किया तो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया और मेरा ऐसा मानना है आज अभी लोगों के लिए संभव है, ऐसा करना चाहिए, ये आज की जरूरत है। तकनीक में लोगों ने बहुत काम किया। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसने कंप्यूटर पर बहुत काम किया। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। तो हमारी जो पीढ़ी है, भाई साहब की जो पीढ़ी है, उन्होंने समाज में जितना बदलाव देखा है उतना बदलाव से आगे वाली पीढ़ी ने देखा। हम आज से कर्तव्य प्रेरणा से लेकर के कंप्यूटर तक पहुंच गए। उद्यम में हमने बहुत अच्छा काम किया है। हम पारंपरिक बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेसों पर भी हमने काम किया है, उसमें हम बहुत सफल रहे हैं और हमारी संपन्नता बढ़ी है। बहुत खुशी होती है जब हम ये सुनते हैं कि भाई हमारे समाज के व्यक्ति ने एक अलग घर एक बंगला बनाया, कितना अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ ये परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। विशेष बात संगठन की जो बात हम करते हैं तो ऐसे बहुत खड़े हैं जहां उन्होंने लोकल लेवल पे काम किया है, जैसे देवगढ़ में काम किया है, जोधपुर में काम किया है, सिरोही में किया है, नागौर में किया है और भी कई जगह किया है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम उसको 14 खेला के स्तर पे स्थापित नहीं कर सकते और उसकी निरंतरता को बनाए नहीं रख सकते। तो भाई साहब के जो ऑब्जर्वेशन थे सभी सालों की, उसका कारण यह है कि हम इस निरंतरता को नहीं बनाए रख सकते। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों का सहयोग रहेगा तो आज की मीटिंग में कुछ ऐसे निर्णय हो जाए ताकि हम इसकी निरंतरता को बढ़ाए रखें, संगठन को मजबूत करें और आगे काम करें। और जैसा पैसा में काम किए जोधपुर में एक हॉस्टल होना चाहिए तो ऐसा कुछ कर पाए। एक बार फिर मैं बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम कुछ उपयोगी बात कर सकेंगे और संगठन को आगे ले जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।